तो अभी मैंने अपना लगेज जो है तो रख दिया है, और इन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया, टिकट चेक किया, आईडी चेक किया, उसके बाद में लगेज वगैरह जो है तो लगेज इन्होंने पीछे के पोर्शन में रख दिया है, मेरी आईडी, पासपोर्ट सब कुछ चेक कर दिया, और मुझे सीट का नंबर दिया है 8 नंबर। तो मैं चलता हूँ, अपनी सीट देखता हूँ कि अंदर मुझे जो सीट दी गई है वो सीट कैसी है। और तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा इस बस के अंदर। तो मेरा नंबर है 8 नंबर। तो 8 नंबर देखो सबसे आगे है, बहुत अच्छी सीट मिली है मुझे। तो ये 2 माले की बस है, ये मैंने बैग पहले ही लाके रख दिया है। ये मेरा नंबर, ये मेरी सीट है, और अभी तो फ़िलहाल तो केवल मैं हूँ और 2 सज्जन पीछे हैं। ठीक है, यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं आप, और जहाँ से मैं आया, और इसमें टॉयलेट भी है, तो आपको अगर टॉयलेट वगैरह जाना है तो आप टॉयलेट भी जा सकते हैं। तो टॉयलेट जाना है तो ये रहा टॉयलेट, आप टॉयलेट यूज कर सकते हैं। सर ये टॉयलेट है, टॉयलेट भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए टॉयलेट है, जैसे कि आपको प्लेन में देखते होंगे, तो ऐसी अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सुथरा है, और पानी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर मिरर भी लगा हुआ है, तो बिल्कुल एरोप्लेन की तरीके ही जो है यहाँ पर टॉयलेट है। और ये देखो ये यहाँ के नीचे की सेटिंग व्यवस्था है। ये मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो मेरी सीट तो ऊपर है, और 8 नंबर की सीट है, और अच्छी सीट मुझे दिया है, क्योंकि मैं इससे ब्लॉग बना सकूँगा और आगे आपको दिखा सकूँगा। यहाँ से मैं आपको इधर भी दिखा सकता हूँ, सामने का नज़ारा, साइड का भी दिखा सकता हूँ। तो कहने का मतलब मुझे अच्छी जगह दी है, जिससे कि मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं वही कह रहा था कि महंगाई पे इन्होंने कंट्रोल रखा हुआ है, आज की तारीख में भी जो है तो चीज़ों के दाम वही हैं। 2008 में अगर जो मिल्क है अगर 40 सेंट पर लीटर था, तो आज की डेट में 50 सेंट है। तो आप देख सकते हैं कि 10-12 सालों में भी केवल 20% महंगाई बढ़ी है। तो मैं एक चीज़ से इसको आंकता हूँ, मैं सारी चीज़ों के प्राइसेस पे कंपेयरिंग तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने मिल्क के एक प्राइस से लिया कि मिल्क उस टाइम पे 45 सेंट के लगभग था, और आज 50 सेंट के आसपास है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा नहीं, ये लोग बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। अगर हम अपने कंट्रीज की बात करें, तो आप कल्पना कीजिए कि आज से 12 साल पहले क्या प्राइसेस थे और आज क्या प्राइसेस हैं। तो हमारी अपने कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है, उसको सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन सा इनका मैनेजमेंट का तरीका है, जिससे कि यहाँ महंगाई नहीं बढ़ती है। और अगर 12 सालों में महंगाई बढ़ी भी है, 12 सालों में अगर प्राइसेस में अगर फ़र्क हुआ भी है, तो केवल 20%। आप सोचिए कि 12 साल पहले सैलरी कितनी थी, आज सैलरी कितनी है। सैलरी बढ़ी है, बिजनेस इनकम बढ़ी है, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं, तो उनके प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, और बढ़े हैं तो बहुत ही थोड़े, केवल 20%। तो ये है मैनेजमेंट। तो काश हमारे देश की गवर्नमेंट भी ऐसा ही कुछ करती, ऐसी स्कीम लाती, ऐसी पॉलिसीज लाती और देश में लागू करती, जिससे कि लोग जो है तो ऐसा कुछ होता, तो कम से कम जो है तो हमारे मुल्क की जो आवाम है, तो वो त्रस्त नहीं होती आज। आज त्रस्त है, क्योंकि दिन दुने रात चौगने प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो सोचें कि आप कैसे सब लोग मैनेज करते होंगे। 12 साल पहले मुझे याद है कि मैं इंडिया में 12 साल पहले 20 रुपए में भरपेट खाना खा लिया करता था, सामान्य रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छी जगह नहीं, लेकिन बहुत अच्छी जगह भी अगर खाते थे तो 50 रुपए में आप पेट भर खाना खा सकते थे। आज आप 100 रुपए में भी नहीं खा सकते। मैं अभी गया था 2019 में, मैं इंडिया गया था, तो दाल थी 400 रुपए की एक दाल। अब सोचे आप कि 12 साल पहले मैक्सिमम 50 रुपीज़ में भरपेट खाना खाया करता था,
और अभी जो है तो बहुत महंगा। और अगर आप बोलें वैसे लॉज वगैरह में, जैसे कि मुंबई में जो जो उपनगर हैं वहाँ पर जो प्राइसेस हैं, जैसे पहले में जिन लॉजेज में 40 रुपए में खाना खा लिया करता था, आज वहाँ पर 160, 180, 200 रुपए है खाने का। तो आप देख लें कि अगर हम वहाँ की कंपेयरिंग कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, तो 2010-2008 में 40 रुपए 50 रुपए में थाली जो मिलती थी तो भरपेट खाना खा लिया करते थे। अभी मैं गया था जब 2019 में, तो वही थाली का प्राइसेस था 160 और 200 रुपीज। तो कितनी गुना महंगाई बढ़ गई, लगभग 5 गुना। और यहाँ कितनी बड़ी महंगाई, केवल 20%। क्या कारण है? यहाँ तो इनके यूरोप के अंदर हर चीज़ पैदा भी नहीं होती है, राइस बाहर से आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर से आती है, लेकिन फिर भी देखो इन्होंने महंगाई पे कैसे कंट्रोल कर रखा है। कैसे ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी का तो यहाँ पर मैं इस ब्लॉक को मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉक में रास्ते का दिखाऊँगा आपको कि रास्ते में सफ़र स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर आगे की रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर आपको एक नया वीडियो मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में तो बस यहीं तक काफ़ी है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद। तो दोस्तों, मैं नीचे गया था और मिस्टर जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर महोदय, तो उनसे मैंने पूछा था कि वाईफाई का पासवर्ड बताइए, क्या वाईफाई है? तो उन्होंने बोला हाँ, वाईफाई अवेलेबल है बस में और आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। तो मैं उन्होंने बता दिया कि वाईफाई कौन सा है और कोई भी पासवर्ड नहीं है, फ्री है, मतलब बिना पासवर्ड के। तो मैं देखो ये अभी चालू करने जा रहा हूँ वाईफाई। तो ये जाता हूँ वाईफाई स्टार्ट, और ये देखिए कौन सा है। हाँ, ये रहा इको लाइन्स, अपने आप लग गया। ये देखो इको लाइन्स का लग गया। तो कोई पासवर्ड नहीं है, अपने आप उसमें वो ऑटो कनेक्ट हो गया। तो सबसे अच्छी बात है कि आप ड्यूरिंग योर जर्नी आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं, इंटरनेट की कोई समस्या नहीं होगी, तो आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। और बस चालू हो गई, तो आप देख रहे हैं बस रवाना हो गई है। Cienījamie pasažieri, sveicam jūs Ekolines autobusā. Sakarā ar izsludināto pandēmiju lūdzu ievērot drošības noteikumus, izpildīt sociālās distancēšanās un higiēnas prasības. Atgādinām, ka brauciena laikā pasažieriem jābūt maskās, kas aizsedz muti un degunu. Dezinfekcijas līdzekļi atrodas pie autobusa vidējām durvīm un pie otrā stāva ejas. Jūsu ērtībām autobusā ir pieejamas elektriskās rodzetes, ķīmiskā brauciena laiku. Lūdzu, nemetiet tualetes podā salvetes, bet izmantojiet šim nolūkam paredzētās urnas. Ķīmiskā tualete pieejama visa brauciena laikā, izņemot dzērienus. Jūsu servetām pretī atrodas planšetes, kur var skatīties filmas, klausīt mantojot austiņas. Ja jums nav savas, jūs tās varat iegādīties pie autobusa vadītāja par 1 eiro. Attiešanas laiku. Cienījamie pasažieri, ja reisa laikā jums rodas kāda jautājuma par braucienu, lūdzu vērsieties pie autobusa vadītāja. Autobusē ir elektriskie rozetki, ķīmiski tualeti, internet un planšete. Кофейный аппарат временно недоступен, кроме остановок. Уважаемые пассажиры, мэдам бата рахи хэ ки туалет бхи хэ аур ти кофе бхи аап бана ке пи сакте хэ, интернет фри хэ, яхи сари информейшн провайд кар рахи хэ. Книги и играть в игры. Это можно сделать с помощью наушников. Если у вас нет своих, вы можете купить их в руках. Уважаемые пассажиры, если у вас возникнут вопросы по поводу нашей поездки, пожалуйста, обращайтесь к водителю автобуса на безопасном расстоянии. Мы постараемся вам помочь. Спасибо за внимание. Желаем вам приятного. Приглашаем на компьютер. Кого с аппарата, с выкидываем на
Прошу вас на шершень автобуса салона 15 Eccola in Silagrande il tervitadant meie bussiparda. Seoses leviva pandeemiaga COVID-19 oleme kõikidel reisijatel hoida võimalusel distantsi ning järgida kõiki hügieenireegleid. Tuletame teile meelde, et reisijad on kohustatud kandma nägukarvas maski kogu reisi vältel. Desinfitseerimisvahendid on bussis leitavad keskmise ukse juures ja samuti teisel korrusel vahekäigus. Mugavaks reisimiseks on bussis olemas pistikud iga istmebaari juures, WC, internet ning multimeedia seadme. Kuumade jookide aparaadid ajutiselt ei tööta. WC-d on võimalik kasutada kogu reisi vältel. Kutsetamine ning alkohoolsed jookide tarbimine meie bussi pardal on rangelt keelatud. Istme seljatugedest on võimalik leida individuaalsed multimeedia seadmed, kus saate mugavalt vaatada filme, kuulata muusikat ning mängida meelelahutuslikke mänge. Palume teil ühendada heli kuulamiseks kõrvaklapid. Juhul, kui teil ei ole isiklikke kõrvaklappe, saate need soetada 1 eurose maksumuse eest meie bussijuhil. Palume bussijuhti sõidu ajal mitte segada. Tulenevalt sõidugraafikust palume saabuda bussi väljumistele õige aegselt. Lugupeetud reisijad, juhul kui teil tekivad reisi vältel küsimused, palume teil pöörduda turvaliselt hetkel distantsi hoides meie bussijuhi poole. Täname teid ning soovime teile kena reisi. रास्ते में जंगल स्टार्ट हो गया है। रीगा सिटी से बाहर आते ही आप देख रहे हैं जंगल स्टार्ट हो गया है। काफ़ी हरियाली है और ये विलेज देख रहे हैं आप। विलेज में घर किस टाइप के बने हुए हैं आप देख सकते हैं, लाटवियन विलेज। तो
लाटविया कंट्री में विलेज कैसे होते हैं, घर कैसे होते हैं, आप देख सकते हैं नज़ारा। Уважаемые пассажиры, мы находимся в Перно, через минут 10 подъедем Перно к вокзалу, стоять будем 3 минуты. The passenger will know to Perno about 10 minutes, we can make to Perno bus station, stay only 3 minutes.
तो ये पार्नू का बस स्टैंड आ गया, पार्नू सिटी, इस्टोनिया का एक ये भी तीसरा बड़ा शहर है पार्नू। तो इसमें ये बस जो है तो पार्नू बस स्टैंड में आ चुकी है और यहाँ पर कुछ टाइम रुकेगी। देखते हैं ज़रा बाहर का नज़ारा लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं वापस। चलते हैं ज़रा नीचे और ऐसे नीचे का हालचाल लेते हैं, कहाँ क्या है नीचे। तो कोई भी पैसेंजर नहीं है देख रहे हैं आप, बस वही दो तीन चार लोग थे जो वही है भी हैं यहाँ पर। तो पार्नो जो है तो पार्नो में आ गए हैं और ये पार्नो का बस स्टैंड है और बस यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकेगी और उसके बाद फिर यहाँ से जो है तो तालिन के लिए रवाना होगी। तो यही हमारी बस है, बस का नंबर है 361 और इको लाइंस की बस है। देख रहे हैं आप, बहुत अच्छी बस है और दो मंजिल की है। मेरी सीट ऊपर आगे इन्होंने दी हुई है सबसे फ्रंट में, जिसका बेनिफिट मुझे मिला है, मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूं, वीडियो बना सकता हूं। तो देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छी बस है और ये हमारे तालिन की है, हमारी इस्टोनियन कंपनी है ये। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और मैं चाहूँगा कि फ़ोटो साथ में हो जाए। देखो मैंने मास्क लगाया हुआ है। एक्चुअली जब मैं टिकट बुक कर रहा था, जब मैंने लाटविया से रीगा में टिकट बुक की थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप मास्क लेकर के ही बस में यात्रा कीजिएगा। तो बस मैंने फॉलो किया और मैं मास्क लेकर के ही जो है तो बस में आया हूँ, लेकिन मेरे अलावा कोई भी मुझे मिला ही नहीं जो मास्क पहन रखा हो, मैं अकेला। तो चलो कोई बात नहीं, मैं कम से कम यात्रा करते टाइम पे तो बेशक कोई जिंदगी है और वैसे भी अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है जनाब। सारे रिश्ते, सारे संबंध, रिलेशन सब यहीं के ही रह जाने हैं। दुनिया में हम आते हैं, हमें अपनी पहचान मिलती है, हमारा अपना नाम रखा जाता है, पहचान जोड़ी जाती है। ये हमारे फादर हैं, अबू हैं, पिताजी हैं, मम्मी हैं, माताजी हैं, अम्मी जान हैं। तो ऐसे रिश्तों की पहचान कराई जाती है, ब्रदर है, सिस्टर है, फिर धीमे धीमे पहचान बढ़ती जाती है, सर्कल बढ़ता जाता है, नाते रिश्तेदार हो जाते हैं, मामा फूफा ये वो, फिर बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं, फिर अपने जो है कलीग्स हो जाते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे जो सहपाठी हैं वो हो जाते हैं, ऑफिस कर्मी हैं जो हमारे साथ में काम करते हैं या बिजनेस स्टाफ है वो हो जाते हैं, बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, यहाँ वहाँ चलते फिरते बहुत सारे लोगों से पहचान हो जाती है। कहने का मतलब कि धीमे धीमे जो है तो जानने वालों की सूची तैयार हो जाती है, जिनको हम जानते हैं और जो हमें जानते हैं। जो मेन पहचान है वो ख़त्म हो जाती है, जो मेन पहचान होती है हमारी पहचान, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए। देख रहे हैं आप, ये पार्नू सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल है, इट्स टू ब्यूटीफुल। जब कभी भी आप आएँ, प्लीज ट्रैवल टू विजिट दिस सिटी, एक बार ज़रूर आप इस शहर की विजिट करें, यू विल एंजॉय पार्नू।
यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है और आप यहाँ से वहाँ जो है तो बाई बस जो है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं सिटी के अंदर। टैक्सीस हैं, सब कुछ सारी हैं, आप चाहें तो ई बाइक ले सकते हैं, ई बाइक्स, ई स्कूटर्स, रेंटल टैक्सीज एंड बसेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और पर्नू एक बहुत ही पुराना शहर है और अच्छा शहर है, समुद्र किनारा, यहाँ की बीचेस बहुत ही फेमस हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीचेस हैं, बड़ी चौड़ी चौड़ी बीचेस हैं और लोग यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो लोग वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट यहाँ आता है खास करके समर में, और आपको यहाँ बीचेस में समुद्र किनारे हजारों लोग पड़े हुए मिलेंगे, आपको एंजॉय करते हैं, तो बहुत अच्छी जगह है, इट्स टू ब्यूटीफुल। एक प्रकार से कहा जाए तो एस्टोनिया में जो पर्नू है, तो जैसे हमारे इंडिया में गोवा वगैरह है, गोवा लोग जाते हैं और वहाँ समुद्र किनारे एंजॉय करते हैं, तो ठीक वैसे ही है पर्नू, बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल, और स्पेशली इट्स फेमस फॉर बीचेस, सी बीचेस, बहुत सुंदर, टू ब्यूटीफुल। यहाँ के हाउसेस देख रहे हैं, इनका एक अलग तरीके के एक जैसे मकान आपको दिख रहे हैं, एक जैसे मींस एक जैसे साइज के बंगलो टाइप के, तो टालिन में भी ऐसे मकान हैं लेकिन कहीं कहीं पे हैं, यहाँ पर आपको अधिकता मिल रही है, काफ़ी है। एक हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड है मिस्टर तौकीर मियाँ, उन्होंने भी यहाँ पर मकान बनाया हुआ है। देखिए भाई, पाकिस्तान के बड़े जो दोस्त हैं उनकी मुलाकात हमारी टालिन में ही हुई थी 2010 में, तो जान पहचान यहाँ पर ही हुई है। मेरा टालिन से पहले उनसे कोई मतलब पहचान कभी हुई ही नहीं है। मेरी लाइफ में पाकिस्तान से अगर कोई पहला फ्रेंड बना था तो वो यही बने थे टालिन में ही, क्योंकि यहाँ पर हमारे मुल्कों में बहुत सारे इशूज हैं, बॉर्डर इशू है, पॉलिटिकल इशूज है, लेकिन जब हम लोग बाहर किसी कंट्री में रहते हैं तो आपस में मिलते हैं तो कोई दुश्मनी वाली बात कोई होती नहीं है, और न ही कोई मजहब की बात होती है, न कोई मुल्क की बात होती है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में अगर आप आते हैं तो आपके दोस्तों की लिस्ट में पाकिस्तानी भी शुमार हो जाते हैं, बांग्लादेशी भी हो जाते हैं, नेपाली या दूसरे और कंट्री के, अफगानी वगैरह, हर एक कंट्री के लोगों से दोस्ती हो जाती है, और यहाँ चलता है। लेकिन हम अगर हिंदुस्तान में रहें तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आप कितने भी ऑनेस्ट हों, आपके फ्रेंड कितने भी ऑनेस्ट हों, सही हों, लेकिन हमारे मुल्कों में ना वहाँ की गवर्नमेंट बचा पाएगी, ना वहाँ के लोग बचा पाएंगे, और ज़रूरी भी है हमारे मुल्कों में हमारे मुल्कों के जैसे रहने का, बाहर हैं तो बाहर के जैसे रहने का, ये मुल्क से बाहर हैं, यूरोप में हैं, तो जो भी हमारे यहाँ रिलेशंस हैं, दोस्ती यारी जो भी है वो यहीं तक सीमित है। एस्टोनिया से बाहर नो फ्रेंडशिप, नो रिलेशन, नो कम्युनिकेशन, नथिंग। तो ये जनाब, मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने उनका जिक्र किया था, मिस्टर तौकीर मियाँ, वो यहीं रहते हैं, अच्छे इंसान हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है तो नफ़रत करते हैं एक दूसरे से, हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, चाहे वो किसी मुल्क का इंसान हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो, हमें हर इंसान से प्यार करना चाहिए, हर इंसान से प्यार करना चाहिए, इंसानियत से प्यार करना चाहिए। तौकीर मियाँ भी उसी में से एक ऐसे इंसान है कि जो कि अच्छे इंसान है, मुझे 2010 में मिले तो काफ़ी मेरी हेल्प किया, मुझे कई जगह ले गए, कई डिपार्टमेंट्स में भी गए ले गए, हॉस्पिटल भी ले गए, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, प्रारंभिक दिनों में बहुत सारी ज़रूरतें पड़ती हैं, बहुत सारे काम होते हैं आपको जब किसी
उसमें मिस्टर तोकीन मियाँ जो है काफ़ी हेल्पफुल हुए थे, तो शुक्रिया उनको। पारनू आने से मुझे उनकी याद आ गई। तो उन्होंने यहाँ पर एक कोई वैसे ही कॉटेज जैसा कि आपने देखा, यहाँ मकान देखे, तो उन्होंने मकान कोई लिया हुआ है खुद का, और उनके मकान में कुछ लैंड भी है। हालांकि मैं अभी तक उनका मकान देखा नहीं है, उन्होंने इन्वाइट भी किया कई बार, लेकिन मुझे वो अवसर नहीं मिला अभी तक उनके घर जाने का। इन फ्यूचर कभी देखेंगे, कभी आना हुआ तो ज़रूर उनके घर जाएंगे, और उनकी मेहमान और उनकी मेहमान नवाजी जो भी है तो वो एक्सेप्ट करेंगे। फ़िलहाल तो हम इस शहर से बाहर निकल चुके हैं और तालीम के रास्ते में आगे बढ़ चुके हैं। आपने ये शहर देखा, घर भी दिखा देता हूँ आपको। तो चलते हैं फिर आगे, कुछ और दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल तो अभी बंद कर रहा हूँ, आगे फिर कोई अच्छा सीन मिलेगा विलेज साइड, फिर आपको दिखाएंगे। तो मैं बस में बहुत ही आराम से यात्रा कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं, ये हमारी इस्टोनियन बस इको लाइन्स की, लाटविया रीगा से टालिन के लिए। दोस्तों, टालिन सिटी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और ये पारनू रोड है टालिन का, और पारनू रोड में ऐसे मकान आपको दिखेंगे। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया टालिन बस स्टैंड में, आ गया मैं। यात्रा पूरी हो गई, लिथुआनिया नहीं गया एक्चुअली। जाने का विचार तो था, लिथुआनिया जाने वाला था मैं लाटविया से। न जाने का रीज़न ये है कि मुझे एक मेरी जो दुकान है तो उसका मसला चल रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने खाली नहीं किया है, सामान उसके अंदर है। तो कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी, तो मुझे इसलिए फिर लाटविया से वापस आना पड़ा। तो अभी आकर के यहाँ मैनेज करूँगा, दुकान को खाली करना है, सामान जो है कहीं रखेंगे। तो सामान वगैरह कहीं रख कर के, ये देखो, ये है टालिन बस अड्डा, टालिन का इंटरनेशनल बस स्टैंड। तो छोटा सा है, बड़ा प्यारा है, सुविधा संपन्न है। तो मैं अभी अपने डॉगी को लेने जा रहा हूँ। तो ठीक है फिर, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मेरे वीडियोस देखे हैं, तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, राम राम, जय हिंद।